हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीजेयू यूनिवर्सिटी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का 2023 का ये पेपर। सब्जेक्ट आपका रहने वाला है पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी, जीजेयू के और भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पहले के, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। इस पर अगर आप 80 लाइक्स कर देते हैं इस वीडियो पे, तो आपको अगले सब्जेक्ट पे वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी मैं लेकर आने वाली हूँ। तो बस करते हैं वीडियो को शुरू। और यहाँ पे आपको दिखेगा 3 घंटे का ये पेपर और 70 नंबर का रहने वाला है। ठीक, नोट यहाँ पे लिखा है अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन आप करेंगे। ईच यूनिट में से 1 क्वेश्चन आपको चुनना है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इससे पहले भी आप पेपर दे चुके हैं, आपको जानकारी होगी। तो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलूँगी मैं, ज़्यादा आपका टाइम लूँगी नहीं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ जाना। फिर है यहाँ पर रीसेंट करिकुलम रिफॉर्म्स इन मैथमेटिक्स एट नेशनल लेवल, आगे बताते हैं आपको। थर्ड है यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरेस्पेंडेंस कोर्सेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी में है तो गणित का क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम में नवीनतम सुधार, पत्राचार कोर्स का महत्व, गणित में मूल्यांकन का महत्व। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन था, फिर से दिखा देती हूँ, इसको आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है। चलिए अब डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज। ठीक है, गणित के जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उसके बारे में आपको बताना है विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर। चलिए हिंदी में लिखा है, देखिए यहाँ पर विद्यालय माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गणित के उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 7 नंबर का ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा 7 नंबर का है और दूसरा हिस्सा भी 7 नंबर का है, तो उस हिसाब से आप उत्तर देना। चॉइस में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए डिटेल नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द नोटेशन सिस्टम, अंकन प्रणाली के विशेष संदर्भ में गणित के इतिहास पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 14 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस, एक्सप्लेन पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इक्वेशंस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण क्या है, समीकरण विषय के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मार्क्स आप देख लेंगे उस हिसाब से अपने उत्तर देंगे। चलिए क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको चॉइस में दे रखा है यूनिट 2 के, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको ठीक कर लेना, समस्या समाधान होता है ना कि समाधान, इसके गुण व दोष बताइए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लेना। यूनिट 3 के बात करूँगी, क्वेश्चन नंबर 6 की, हाउ विल यू डिज़ाइन द मैथमेटिक्स लेबॉरिटी इन योर स्कूल, सजेस्ट लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट फॉर दिस लेबॉरेटरी, आप अपने विद्यालय में गणित प्रयोगशाला की रचना किस प्रकार करेंगे, इस प्रयोगशाला के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की सूची के सुझाव दीजिए। आ रहा है समझ, आपको एक प्रयोगशाला बनानी है गणित की अपने विद्यालय में, तो उसके लिए क्या क्या सामान होना चाहिए उसकी आपको लिस्ट बना के देनी है। आया समझ। चलिए क्वेश्चन 7 रीड करूँगी, इससे पहले आपको जानकारी दे दूँ हमारा दूसरा चैनल है SS स्टडी नाम से, ठीक है, जहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अब BEd आप कर लेंगे तो आपको आगे के लिए जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप हमारे SS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्सप्लेन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान ऑफ एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर दिस स्किल, हिंदी में है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल की व्याख्या कीजिए, इस कौशल के लिए गणित के किसी उपविषय पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कीजिए। ठीक है, चॉइस दे रखी थी आपको 6-7 में, जो आपको अच्छे से आता हो वो आप करना। यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, डिस्क्राइब इन डिटेल यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमीडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के उपयोग के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, चॉइस में दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए मैथमेटिक्स टीचर, डिस्कस द रोल ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स इन द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स, यानी कि गणित के अध्यापन के व्यावसायिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, सबसे पहले तो ये बताना है आपको। 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर है गणित अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि में गणितीय सम्मेलन एवं कार्यशाला की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये था आपका 2023 जीजेयू यूनिवर्सिटी का पेपर, फिर से आपको दिखा दे रहे हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटे ना। 3 घंटे का आएगा, 70 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है,
आपको अटैम्प्ट करना है, उसमें कोई चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं आता, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हरियाणा की मोस्ट ऑफ़ यूनिवर्सिटी ऐसा ही करती है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसी आधार पर अपना नया क्वेश्चन पेपर बनाती हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। यूनिट वन में देखिए दो क्वेश्चन थे, कोई एक क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से। यूनिट टू में भी आपको चॉइस देखने मिली थी, एक ही क्वेश्चन आप करना, ये यूनिट थ्री, ठीक है, और ये यूनिट नंबर फोर। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें कि लक्ष्मी पब्लिकेशन के मैंने टॉपिक करा रखे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के भी हैं और सेकंड ईयर के भी हैं। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा कंटेंट आपके लिए फ्री है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपके लिए नया क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। वीडियो पर टारगेट पूरा कर देना 80 लाइक्स का, ठीक है, तब आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।